नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कश्मीर घाटी में पिछले दो दिनों के अंदर तीन बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बीती रात 10:22 पर फिर एक बार बारामूला जिले के नजदीक भूकंप आया। इसकी तीव्रता 3.9 मापी गई। इन झटकों में किसी तरह की कोई हानि की सूचना नहीं आई है। ये भूकंप के झटके रात में महसूस किए गए। इस समय ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर होते हैं। इससे पहले मंगलवार को भी घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को सुबह एक के बाद एक भूकंप के दो झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। भूकंप का पहला झटका सुबह महसूस किया गया। इससे पहले आए भूकंप का केंद्र भी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पास ही था। सुबह 6:52 पर लोगों ने भूकंप का दूसरा झटका महसूस किया। इसकी तीव्रता 4.8 दर्ज की गई थी। वहीं इससे पहले फरवरी और दिसंबर में घाटी में भूकंप आया था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या कहीं ये छोटे छोटे भूकंप एक बड़ी तबाही की ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ही जानेंगे कि कश्मीर का वो दिन जब आजाद भारत के कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप आया था। वहीं कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा यानी पीओके, वहां भी मंगलवार को 5.1 तीव्रता के दो भूकंप आए। पर्वत वाले क्षेत्र के रहने वालों के जहन में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि इससे पहले ज्यादा डराने वाला ये किस्सा था कि इसका केंद्र कश्मीर में है। पीओके के अलावा कई इलाकों समेत पूरी झेलम घाटी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लगातार आ रहे ये छोटे छोटे भूकंप एक पुराने इतिहास की यादें ताजा करा गए। कहा जाता है कि भूकंप के छोटे झटके किसी बड़े भूकंप के आने से पहले एक अलर्ट का काम करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के एक प्रमुख ने बताया कि अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो भूकंप की भविष्यवाणी कर सके, लेकिन लगातार छोटे छोटे भूकंप को एक बड़े भूकंप के लिए बड़ी चेतावनी समझा जाता है। हम जिस पुराने इतिहास की बात कर रहे थे वो 2005 में आए खौफनाक भूकंप की एक सच्ची घटना है। जम्मू कश्मीर बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। वही सबसे सुंदर वादियां और घाटियां भी आपको यही देखने को मिलती हैं। लेकिन फिलहाल इस खूबसूरत राज्य के उस खौफनाक घटना पर नजर डालते हैं। 8 अक्टूबर 2005 कश्मीर के इतिहास का वो दिन है जिसे आज भी उस समय के लोग भुला नहीं पाए होंगे। इस दिन आए बेहद भीषण भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई थी। इस भूकंप के कारण एलओसी से सटे पाकिस्तान और कश्मीर दोनों के ही इलाकों में करीब 80,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।